Asodi, Abdana, Glaze, Glaze, Oh, my Gyanatimiram, thus Gyana, Jena Salakaya, Chaksur, Unumilitam, Jena, Tasmai, Sri, Gurave, Namaha, Gurave, Gaura Chandraya, Radhikaya, Yaistadale, Krishnaya, Krishna Bhaktaya, Tadbhaktaya, Namo Namaha, Vanchakalpadurbhyasya, Kripa Sindhu Bhaivacha, Patitanam Pavanebho, Vaishnavebho, Namo Namaha, Namo Mahavadanaya, Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratuse Namaha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandhu Jagatpate Gopi Sahagopika Kanta Sri Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Prisabhayana Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasudevai Priyai Kesavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatai Namo Namah Tamadi Devam Karuna Nidhanam Tamalavarnam Sruhidavataram Apar Sansari Samudra Setum Bhajamahe Bhagavatam Swarupam Jant Pravajantam Anupetam Apeta Kritam Dvaipayana Virahaka Tarajubhava Putreti Tanmayatayataravo Vinedum Stam Sarvabhuta Hridayam Munimānatosmi Narayanam Namaskritta Narancaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadhi Gauru Bhakta Vrinda Sabhikar Hathmah Bula Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Bala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sarvapratham My Guru Pad Padma Nitalila Pravishnam Vishnu Pad Ashtotar Satasri Sri Sri Madhu Bhakti Sri Roop Siddhanti Goswami Maharaj Ke Charno Kamalame Anant Kati Sashtang Dandavat Pranam Karta Tat Pashyat Mri Sikhya Guru Pad Padma Nitalila Pravishnam Vishnu Pad Ashtotar Satasri Sri Sri Madhu Bhakti Vedanta Sri La Narayan Goswami Maharaj Ke Charno Sarajami श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ आज हम लोगों का बहुत बहुत ही बढ़िया दिन है हमारे श्री अशोक प्रभु जी और श्री माता जी श्री मुखलेश मुखलेश दीदी जी और उनके जो सुपुत्र है क्या नाम है बेटे उनका अंकुर आशीष आलम आलम इसलिए आज इन लोगों ने अपना घर में ये श्रीमद् भागवत कथा को नन रखवाया इसलिए हमारे बड़े गुरुजी कहते थे जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में पैसा की बल हो जो कि हम पैसा के बल पर जो काम कर सकते हैं जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में जन बल हो लोग हमें मदद करने वाले हो जो काम को हम कर सकते हैं जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में मन की बल हो जो काम को हम कर सकते हैं
और सबसे बड़ा बल है ये आत्मा बल। ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में आत्मा बल हो जो काम को कर सकते हैं। लेकिन संत लोगों का कहना है, इन्होंने जो अपना घर में ये भागवत कथा रखवाया, न तो कोई पैसा बल से काम नहीं कर सकते हैं, न तो कोई जन बल से कर सकते हैं, न तो कोई मन बल से कर सकते हैं, न तो कोई आत्मा बल से नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? बोले जब तक कि ठाकुर जी की, बांके बिहारी की, साधु संत की कृपा की बल नहीं हो, कभी ये कथा कोई रख भी नहीं सकते हैं, ये कथा कोई करवा नहीं सकते हैं। हमने अभी तो हम कथा करके रायपुर से आए, ट्रेन लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गई, इसलिए हमने बहुत सारी जगह पर देखा है, उन्होंने बैनर छपवा दिया सब जगह में, हाँ निमंत्रण कार्ड छपवा करके घर घर में बटवा दिया, इसी तारीख में कथा होगी। लेकिन ऐसे ऐसे होता है, दो चार दिन पहले ऐसे ऐसे घर में विपत्ति आ जाती है जो कथा को रख नहीं सकता, कथा बंद हो जाती है। सारे कुछ करते हुए भी वो कथा बंद हो जाती है। लेकिन इन लोगों ने जो आज अपना घर में ये भागवत कथा रखवाया, समझो ये ठाकुर जी की हम लोगों पर बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी श्री सौनकादि को कहते हैं, देखो जिस घर में कथा हो घर का कितना पुण्य है। बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रा जथा चुतादर कथा प्रसंग। कहते सौनकादि ऋषियों, जिस घर में ये भागवत कथा होती है, कतियो घर नहीं। बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रा, संस्कृत थोड़े बहुत समझते होंगे। कहते पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ है, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारावती, पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, कहते उसी घर में आकर के निवास हो जाता है। सारे तीर्थ उसी घर में आकर के बैठ जाते हैं जिस घर में ये कथा होती है। एक समय हमारे गुरु जी कहते थे, जैसे यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, कहीं पर ये भागवत कथा हो रही थी, ये आवाज प्रभु जी कहाँ से आ रही है? इसलिए कहीं ऐसे ये भागवत कथा हो रही थी, कोई एक संत थे बड़े भावुक संत, वो बैठे करके वहां कथा सुन रहे थे। कथा सुनते सुनते कथा में वो इतने आविष्ट हो गए, कथा विश्राम हो गई, सबके सब वहां से चल पड़े, लेकिन वो संत वहीं के वहीं बैठे रहे। उन्हें थोड़ी दूर जाकर के देखा, इसलिए उन्होंने थोड़ी दूर में जाकर के उन्होंने देखा, एक काला घोड़ा कहीं से भागते 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 आया, और वो जहां पर ये कथा हो रही थी वहीं पर उसने लौट बोल खाने लग गया। और देखते 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 वो जो काला था एकदम सुवर्ण सोने रंग की बन गया। वो संत समझ गए ये कोई घोड़ा नहीं है, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रश्न की, लगता है कि आप कोई घोड़ा है नहीं, कोई महापुरुष है, आप कौन हो? वह कहता है मैं स्वयं तीर्थराज प्रयाग हूं। तीर्थराज प्रयाग है, अब जानते हो सारे तीर्थ में जो सर्वश्रेष्ठ तीर्थ ये प्रयाग। बोले क्यों? बोले वहां पर गंगा जमुना और सरस्वती ये तीनों नदी जहां पर मिले हुए हैं, इसलिए तीर्थराज उसको प्रयाग बताई गई। कहते मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। बोले पहले देखा आप एकदम काले रंग थे, ऐसे क्यों? बोले पृथ्वी के जितने सारे पापी आकर के ये प्रयाग में स्नान करते हैं, स्नान करके सारे पाप को ही छोड़ करके चले जाते हैं, और उनकी पाप की बोझ से मैं काला बन जाता हूँ। बोले यहाँ पर लोटपोट क्यों खा रहे थे? बोले थोड़ी देर पहले यहाँ भागवत कथा हो रही थी ना। बोले हाँ। बोले जहां पर ये श्रीमद् भागवत कथा जिस स्थान पर हो, वो पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान उसी स्थान को मानी जाती है। मैं ढूंढता फिरता हूँ कहां पर ये भागवत कथा हो रही है, और वहीं पर जाकर के जब मैं लौट बौट खाता हूँ
मेरे शरीर का सारे पाप का बोझ वहीं उतर जाते थे और मैं पवित्र होकर के मेरे पापियों का पाप को दोबारा ग्रहण करता हूँ। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं, जहां पर ये श्रीमद् भागवत कथा हो, जिस घर में ये श्रीमद् भागवत कथा होती है, कहते वो घर घर नहीं रह जाती है, वो पृथ्वी का सारे तीर्थ आकर वहीं पर निवास हो जाते हैं, सारे तीर्थ वहीं पर निवास हो जाते हैं। और घर का जितने अमंगल है, घर का जितने दुख कष्ट है, घर का जितने अशांति है, कहते हैं ना मंगल भवन अमंगल हरी, कहते वो घर में कोई दुख कष्ट रह ही नहीं सकते, सारे दुख कष्ट ही घर से निकल जाती है, ये सारे दुख कष्ट। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिस दिन घर में ये भागवत कथा हो, बोले गृहते गोलोक भाई, मतलब है वो घर घर नहीं है, बोले वो घर क्या है, बोले गोलोक वृंदावन हो गया, वो घर घर नहीं रह गया, वो गोलोक वृंदावन हो गई। इसलिए आज हम लोगों का बहुत बहुत ही भाग्य समझो, प्रभु जी ने अपना घर में उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा रखवाया, समझो ये जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है, इससे बड़ा पुण्य जगत में कुछ हो ही नहीं सकते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय, जय श्री राधे। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले पार्वती जीवन में सब चीज आसानी से मिलती है, लेकिन पार्वती एक चीज बड़े किस्मत वालों को मिलती है। तो मैया पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु किस चीज बड़े किस्मत वालों को मिलती है? देख शंकर जी क्या कहते हैं, बोले सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति संगति दुर्लभ संसारा, कहती जो भागवत कथा पार्वती ये बड़ा दुर्लभ चीज है। जब शंकर जी बोले ये भागवत कथा बड़ा दुर्लभ है, मैया पार्वती प्रश्न करती है, बोले दुर्लभ कहाँ है, ये तो सुलभ है, कहती सुलभ है। जैसे अशोक प्रभु जी घर में कथा करवाए, मुझे लगता है सबको उन्होंने निमंत्रण दिए होंगे परिवार में, मेरे घर में कथा होगी, कथा सुनने के लिए आओ, कथा सुनने सबको निमंत्रण दिए होंगे, बैनर लगाए होंगे, बोलते होंगे कथा सुनने के लिए आओ। कहते आप कहते हो सत्य संगति दुर्लभ, दुर्लभ कहाँ की सुलभ है, आप दुर्लभ कहाँ बता रहे हो। शंकर जी कहते हैं पार्वती सब कुछ तो करेंगे लेकिन कोई नहीं आएगा, इसलिए कहते आप तो यही सारा अति कठिनाई, बोले राम कृपा बिन आए न जाए। शंकर जी कहते पार्वती उल्टा पुल्टा काम हो ना सब पहुंच जाएंगे, कोई पता चल जाए अमुक हीरो कोई हीरोइन आ जाए, शाहरुख खान आ गए, नहीं तो ऐश्वर्या राय यहाँ पर आ रही, आप देखना वहां पैर रखने के लिए जगह मिलेगी वहां पर। इतने एक लोग बिना निमंत्रण के इतने लोग वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे पार्वती, जो कि पता भी नहीं लगा सकते हो इतने लोग हो जाएंगे। लेकिन किसको अगर बोलो भागवत कथा के लिए, परिवार वालों को बोलो, पत्नी को बोले तू चला जा, पहले तू चला जा, मैं घर का सारे काम को निपटा करेंगे ना आ जाऊंगा। कहते भैया तू स्वयं निपट जाओगे लेकिन तुम्हारे काम नहीं निपटेगा, अब देखना स्वयं निपट जाओगे लेकिन तुम्हारे ये काम कभी नहीं निपटेगा, संसार काम कभी खत्म होता है,
अब देख लेना घर में एक समस्या, सोचते हैं एक समस्या दूर हो जाए क्या चैन मिलेगी, देखना वो एक समस्या तो गई नहीं, तेरी समस्या सामने खड़ी है। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती आव यही सर अति कठिनाई, कहते राम कृपा बिनु आई न जाए। जब तक भगवान की कृपा किसी जीव को पर नहीं हो पार्वती, कहते पार्वती ये कथा में कोई नहीं आ सकते, वो वही आ सकते हैं जिसको ऊपर में भगवान की कोई विशेष कृपा पार्वती हो, तभी वही आएगा, पार्वती सभी कथा में नहीं आ सकते। अब देखना उल्टा पुल्टा चीज, फिल्म फिल्मी हो, गंदी गंदी फिल्म, किसका कोई मतलब नहीं, फिल्म क्या है बता, आपको पता होगा, झूठ मूठ चीज को एक रुपये का दे देते, देखना तीन तीन घंटा बैठ कर लिखते, उल्टा पुल्टा चीज जिसमें कोई शिक्षा नहीं बल्कि गंदी गंदी चीज है, लेकिन आप देखना वहाँ तीन तीन घंटा बैठे बैठे करके हम वहाँ पर कथा सुन लेंगे, लेकिन भगवान की कथा, भगवान की कथा भी बोलो, बैठना वहाँ पर कठिन होता है, वहाँ पर बैठना कठिन होती है, जिसमें जीव को शांति और सुख मिले कहते वो चीज को जीव कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती साधारण व्यक्ति कथा में नहीं आ सकते। पार्वती फिर प्रश्न करती है, बोले प्रभु आप कहते हो ये भगवान की कथा दुर्लभ है और बड़े किस्मत वाले आते हैं, तो वो प्रश्न करती हैं फिर ये कथा में आने वाले कौन है, कहते ये कथा सुनने के लिए कौन कौन आते हैं। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, शंकर जी कौन है, जो सत्यम शिवम सुंदर, पार्वती कौन है, जो जगदम्बा जगत जननी, ये प्रश्न कर रही है, प्रश्न ये कर रही है, और उत्तर कौन दे रहे हैं, कहते श्री भोले बाबा इसकी उत्तर देते हैं, देखो कहते कौन कौन ये कथा में आएंगे हैं। शंकर जी कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि